वेलकम बैक टू थर्ड बहड थिंग्स आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मेरी बात चल रही है पिछले एक डेढ़ महीने से और फाइनली आज हमारा जो है वो सेटअप हो गया हुआ है इनको बुलाने का एक खास मकसद ये था कि जब हमने हमजा हमजात वाली एपिसोड की थी तो आपने काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सी एस ऑफिसर्स को बुलाया जाए और जब हमने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही आ, फेमस ऑफिसर को बुलाया था हमने कहा कि पाकिस्तान में जो टॉप थ्री यू नो मेजर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉरेन ऑफिस एंड देन पुलिस तो फिर फॉरेन ऑफिस को हम टारगेट करें और इसके लिए आज हमने बुलाया है काजी सलीम साहब कैसे हैं आप थैंक यू सो हियर नहीं थैंक यू सो मच फॉर हियर और आपने वक्त निकाला आप uh, पहले तो मुझे बताइएगा कि आपने कब सी एस एस और ये फॉरेन सर्विस जॉइन की अच्छा दर इज़ नो ईजी आंसर फॉर दैट सो आई जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स फॉर देट असल में आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्टूडियस सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड वेन आई वॉज ग्रोइंग अप तो हम पढ़ाई वाले बच्चे होते थे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे और किस्मत से पोजिशंस भी ठीक आती रहीं सो आई एंड अप लाइक एनी अदर चाइल्ड ग्रोइंग इन पाकिस्तान के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं इंजीनियर बन जाते हैं सो so, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ आई जॉइंट तो uh, मैंने इंजीनियरिंग कर ली बट विद इन इंजीनियरिंग आई फाउंड आउट कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है और, और कहाँ से की थी मैंने नर्स से की थी इस्लाम अच्छा से च्छा ये कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने सो so, देन uh, जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो या एक तरीका ये होता है कि आप कहीं मास्टर्स करके अपना कैरियर स्वैप कर, कर लें किसी और मी द बेस्ट फ्रेंड्स अपियर हो रहा था अच्छा. so, मैंने उसके साथ बैठा उसके नोट्स पकड़े और हमने पढ़ना शुरू किया थ्री फोर मंथ्स में आए जस्ट क्लियर uh, uh, मैंने टेस्ट दिया किस्मत से मेरा क्लियर हो गया अच्छा, uh, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है लोग भूल जाते हैं कि सी एस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने सी एस एस की तैयारी कितनी की है इट्स ऑल्सो अबाउट आपकी लाइफ लॉन्ग तैयारी कितनी चल रही है अगर गुड स्टूडेंट आपने मेहनत करते रहे हैं यू नो द सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहे तो चीज़ें नेचुरली इवॉल्व करके आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं लेकिन इसमें यह था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो सी एस इज अंथ लेंथी प्रोसेस जो hmm. करते उन्हें पता है दो दो साल लग जाते हैं जब आप क्लियर भी कर लो सो so, मैंने साथ ही दूसरा एग्जाम भी दिया हुआ था फर्स्ट टाइम आई वॉज इन द कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप सी टी जी उसका शॉर्ट नेम है एंड जब मैं सिविल सर्विस अकेडमी में था एट दैट टाइम लेकिन नेक्स्ट के वो रिजल्ट आ गए थे तो मैं फॉरेन सर्विस में भी आ चुका था राइट। बट हेयर केम एंड गुड पार्ट फॉर मी जो आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट एज वेल रिगार्डिंग सिविल सर्विस एज वेल के नॉर्मली आपने जैसे बिल्कुल इंटरव्यू में सीखा कि तीन टॉप के ग्रुप्स जो हैं वो लीड करते हैं और उनका ज्यादा शो भी है फ़ारेन सर्विस है आपका पुलिस सर्विस है एंड दैन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो मुझसे पहले तकरीबन कई डेकेट तक, तक तो जब सिविल सर्विस अकेडमी जहाँ हम सब ग्रुप्स होते हैं कंबाइंड तो किसी और सर्विस का बंदा या बंदी टॉप नहीं कह रही थी सो आई वॉज एबल टू ब्रेक दैट आई वॉज एबल टू सिक्योर द गोल्ड मेडल विच Actually speaks about the transparency of the system as well कि किसी right. एक खास ग्रुप की तरफ पुरे ज़्यादा यू नो इंक्लीनेशन नहीं है अगर यू पुट इन डी हार्डवर्क दें तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू वेरी कोल वेरी कोल ये कौन सा साल है जब आपने ये 2010 एंड 11 था अच्छा 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 बिकॉज़ टू इयर्स आपके लगते हैं और सारा कुछ ह� पहले so wow. <laughs> तो मुझे बताएँ कि दस साल आपने गुजारे कैसा हाँ कैसा लगाया आपको एक समझ आ गया मुझे बोले हाँ ये बड़ा आई थिंक इसके हाईज़ एंड लोज बहुत होते हैं uh, जो मैटर करता है एक तो सिविल सर्विसज में आते हुए बड़ा मैटर करता है कि आपका बेसिक रीज़न क्या था आने के लिए सो ग्रोइंग अपन इस्लाबाद लाइक यू है यू सपोज आपको हार्डली डी सी ए सी पुलिस किसी का नहीं पता होता तो नॉर्मली so, आपकी इंक्लिनेशन भी इन सर्विस की तरफ नहीं होती जो हमने ऑब्जर्व किया जब हमारे दोस्त आए पूरे पाकिस्तान से विच वॉज सच अ गुड बूके ऑफ कलर्स आए मैं फ्लावर्स So, uh, उसमें ये था कि हम एक पैशन से आए थे क्योंकि हम जब आप सी की तैयारी स्टार्ट करते हैं आप चीज़ें पढ़ते हैं आपको होता है हमने कुछ चेंज लानी है सारा कुछ होना आपको एकेडमीज़ में जाते हैं और ट्रेन होते हैं रियल लाइफ विच इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ सो फॉर मी इट वॉज गुड इन अ वे के आई लर्न लॉट आई ग्रू एज़ अ पर्सन ऑफ कोर्स जब आप जाते हो तो देर आर सम कंस्ट्रेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड देम देर आर ऑलवेज रिसोर्स रिसोर्सट्रेंट्स जिसमें रह के आपको काम करना है आपने सर्विस प्रोविजन करनी है लेकिन फॉरन सर्विस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बाकीों से बिकॉज वी एंड अप इन आफ्टर टू ईयर्स थ्री ईयर्स हम बाहर पोस्टिंग पे चले जाते हैं सो इन दैट यू बिकम अ डिप्लोमैट आई एम अ डिप्लोमैट वन आई एम आउटसाइड पाकिस्तान टू रिप्रजेंट पाकिस्तान सो उसकी फीलिंग और उसकी चीज का कोई मुकाबला नहीं है Right. i mean, I can't, uh, I, my first posting has been in uh, switzerland, in geneva. Right. geneva is uh, like new york. Two, there are two major un missions, united nations missions, jamp, but our un uh, footholder, so mawhapa, human rights council in pakistan could represent tha. so Achso. it was an amazing experience for me because uh, in an, such an early age, if you get to sit behind pakistan's flag, Right, and then when you open up the mic and you say something, and that means that Pakistan is saying something. Right, so you're right, like right. you're, you're representing two hundred twenty million people basically. Two hundred twenty million people, and that is the policy of Pakistan on that particular point, uh, uh, whether platform, it be platform, and, yeah. child rights, such as women rights, man, because I was looking after human rights. Right. so that feeling cannot be replicated. Makes so it has sense. always been a very high thing for me. Yeah. Uh, and of course, pakistan, aate and then uh, ministry of foreign affairs, just foreign office, short me, hain, hain, ek different scenario, hota, ek different activities. Hota. so for me, in short, it has been very fulfilling. Right. i won't say that... मेरे जो दोस्त जिन्होंने इंजीनियरिंग को कंटिन्यू किया वो लेस फुलफिलिंग होंगे बट आई थिंक सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सनालिटी या नो टेंपरामेंट होता है एंड फॉर यू पर्टिकुलरली दिस वाज ग्रेट बट जेनेवा आप कितने अच्छे रहे थे आई वाज देयर फॉर 3 इयर्स बिफोर दैट द गवर्नमेंट

So I was there, so I had a lot to learn from my seniors, elders. Uh, my first ambassador became later on the first women foreign secretary of Pakistan, Madam Tahmina. So I learned a lot. So that was my first posting and uh, it was the most fulfilling for me uh, right. and one of the toughest as well.

हमारी जब yeah, निगोसिएशन में बैठा होता था स्टेटमेंट्स बना रहा होता <laughs> था एंड थिंग्स लाइक दैट बट इट वाज ऑलवेज वेरी फुलफिलिंग अच्छा आपने ये बात बड़ी अच्छी बोली आपने कहा कि ना लोगों को लोगों का ख्याल है अच्छा मैं जब भी ना मेरे बहुत सारे दोस्तों कर ये सी एस एस देने देने का जब भी सोचा और अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लामाबाद ही जब सी एस खासकर सोचता है ना वो फॉरन सर्विस सोचता है जब उससे मैं पूछूँ यार तुमने क्यों करनी है फ़ॉरन सर्विस तो यार वो बड़ा इजी लाइफ होगी बाहर जाएंगे यू नो अच्छी गाड़ी मिलेगी अच्छा घर मिलेगा यू नो पार्टीज होंगी Uh, and obviously, I mean that can't be it. I don't know. I haven't been there, but is that what it is? You go you relax, you parties, you parties. You don't go to the world and get a visa, and you Yeah, absolutely. I think this is uh, a part of it. Right, uh, and it should be part of it as well because for me agar civil services for an officer to perform well first of all they need to have all the necessary things to have a peace of mind right it can be their pay, it can be their house issue it can be other issues so uh, by the grace of Allah foreign service officers always have these good things with them and they are abroad and they should because they are representing Pakistan so yeah. an officer there, उसका जिस तरीके का रख रखाव होगा हो वो पाकिस्तान के लिए ट्रांसलेट होगा right. तो एक बात तो ये है right. अच्छा और दूसरी बात ये है ये इसका जवाब मैं थोड़ा सा इस तरह से देना चाहूँगा कि जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं फॉरेन सर्विस की बात करते हैं तो हम इसको कभी भी ना सर्विस नहीं कहते राइट right. हाँ जिस दिन आप पहले दिन फॉरेन सर्विस एकेडमी में जाएंगे वो भी यही सिखाएंगे कि इट्स अ लाइफस्टाइल आप कहो पैकअप ना यूर गोइंग बैक होम इस तरह नहीं है हमारे लिए जो पार्टी है मैं आपको बताऊँ जिनीवा में वन नाइनटी थ्री कंट्रीज बैठ वहाँ पे होते हैं मल्टी इलेट्रल वाले हमारी जो डिप्लोमेसी वो ज्यादा टफ होती है फ्राम अयोलैट्रल मिशन क्योंकि नेचुरली ज्यादा ममालिक से बातचीत रखनी है सबके साथ एंगेज करना है तो लेकिन वहाँ पे फिर रिसेप्शन या पार्टीज ये भी ज़्यादा होती हैं अब right. जो हकीकत है वो ये है कि आपका हंड्रेड से अगर मैं एक परसेंट छोड़ भी दूँ ना तो नाइन्टीन परसेंट जो आप अपने मुल्क के लिए अचीव करते हो वो उन में कर लेते हैं राइट right. आप है? बैक जाके आपने आपने बातें कर ली डिप्लोमेसी टेबल हाँ। पे नहीं होती डिप्लोमेसी होती है कोर्स नेगोशिएशन हार्ड नगोसिएशन चलती हैं मल्टी फोरम में उन रूम्स में इन द यूएन लेकिन आपने जो जो इंफॉमेशन गैदर करनी है जो आपने इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी है जिस तरीके से आपने अलाइंसिस फॉर्म करनी है वो तो बाद में होती हैं hmm. आप तो फॉर आर लाइक वर्क फॉर मी एज वेल सो कोर्स इफ यू एंजॉय दैट लाइफस्टाइल देन दैन वो आपके लिए फन भी हो जाएगा वो काम भी हो जाएगा बट सम पीपल इफ दू नाट है टेम्परमेंट फॉर देट दैन दे रियली एंड अपमिंग नॉट दैट मच लाइकिंग दर्विस बिकॉज सारा दिन आप छुट्टी के बाद फिर कहीं पर जा रहे हो तो नेचुरली इट टेक्स अ टोल ऑन योर टाइम एज वेल एन इन योर आउटसाइड पाकिस्तान विच मीन यू आर अवे फ्राम द कंट्री इधर सिर्फ एक डिक्ट मैं ज़रूर यूज़ करूंगा कि फॉर मी फॉरन सर्विस इस तरह होती है कि आप जिस तरह गाँव में अगर शादी मर्ग लगा हुआ है ना तो आपने हर एक की तरफ जाना है इस तरह इन डिप्लोमेसी यू हैव अगर किसी मुल्क ने आपको बुलाया है ना तो आपने उसके पास जाना है Uh, और वो अब uh, उसको पार्टी का नाम हो रिसेप्शन हो बट यू हैव टू बी देयर यू हैव टू सी योर फेस आई थिंक अगर मैं इसको नॉर्मल सोसाइटी के हिसाब से भी कहा ना अपने गाँव वाले बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि जो जनरली आखिर में इलेक्शन भी जीतता है जिसका वो होता है ना वही होता है जो कि हर किसी के घरों में जनाजों में भी जा रहा होता है शादियों में भी जा रहा होता है सबसे बना कर रखता है सारा कुछ करता है जितनी वो बनाकर रखता है उतनी लोग फिर उसका सोए ज्यादा होता है उसकी बात का एंड आटोम थोड़ा सा मैं अब अब इससे दुनिया में इसका क्या हो रहा है बिकॉज खासकर ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद जो कोविड आया और कोविड के बाद अगर मैं इस वक्त देखता हूँ तो दुनिया बिल्कुल पलटी गई है इकोनॉमिकली तो पलटी ही है लेकिन अजीब अजीब चीजें हो रही है ना लाइक यू नो वेस्ट द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड इज बैनिंग वॉइस ऑनलाइन लाइन ईस्ट इज टिंग अबाउटर हाउ डू यू सी दिस राइट नाउ मुझे तो पहले आज का बताएंगे डी यू ऑल्सो यू नो द सेम थाट्स के अब uh, ओवरऑल दुनिया भर के द वे दैट हमने समझे थे कि अलायंसेज हैं हमने समझे थे कि यू नो द फॉरन पॉलिसी एक सर्टन इक्वेजन में काम करती है वो अब चेंज हो रही है नंबर hmm. वन uh, in, in, in uh, ये है कि हमें थोड़ा सा समझना होगा कि वर्ल्ड जो है अगर हम प्योरली इंटरनेशनल रिलेशन के थेरेटिकल परसपेक्टिव से देखें एक ट्रांजिशनल फेज में इंटर हो चुकी है सिंस डॉन ऑफ सेंचुरी एज वेल के जो पिछली दो तीन सौ साल पे हुकूमत रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कि वो वैल्यूज डिक्टेट भी करते थे कि वीड वी वुड शो यू हाउ द वर्ल्ड शुड मूव फारवर्ड ना दीज आर बींग चैलेंज दीज आर बीग चैलेंज बाई ऑफकोर्स द रज़ ऑफ एशियन टाइगर्स एज वेल Right. these are being challenged by the new asian tigers as well. pakistan is one of the, the leading countries as well. self-projection, uh, self-confidence trust i'll come later on that. Right. so the first thing is k. as people also say, k, this is a century of asia. एंड द रीजन आर क्वाइट सिंपल के जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको फेस आ रहे थे पिछले दो तीन सौ साल में या कलोनालाइजेशन की वजह से उनके पास वो पावर नहीं थी वो हैव बीन एबल टू गार्नर दैट चाइनाज राइज आई थिंक इन जस्ट थ्री टू फोर डेकेट्स दर ऑल्सो डूंग द सेम सो एक तो ये बात है कि मल्टीपोलरिटी hmm. की तरफ हम जा रहे हैं पावर सेंटर्स जनरेट हो रहे हैं

left them but still you know that is it's to be seen powerful. how they play yeah. around. Then there are other Asian tigers in the game as well. In our own region, uh, the countries are rising. Middle east yeah, dynamics itni quickly evolved in the last you know year or so. yeah it's just the Things we could seen. never imagine or then dream of they're absolutely. happening now. Then the you know Shanghai Corporation organization banali gay nato is there with some hiccups but it is still there. So right. uh, एग्जैक्ट प्रडिक्शन वुड भी डिफिकल्ट बट वन थिंग दैट इज श्योर वुड भी के देर वी देर विल भी मैनी पावर सेंटर्स ये लिखना डिफिकल्टचुएशन टर्फ आ जाती है टू प्ले अराउंड बिकॉज आप यानि क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते सो हेयर कम्स के हमारी डिप्लोमेसी हमारी लीडरशिप हम सारे मिल के एज अ नेशन अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं कि वी एंड अपन दिनिंग साइड इन ईदर वे Right. और इसमें से मैं एक चीज़ uh, कहूँगा uh, कि देखें डिप्लोमेसी की जब हम बात करेंगे ना और अलाइनमेंट की बात करेंगे इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर डोमेस्टिक एज वेल लोग अक्सर भूल जाते हैं कि मेरी डिप्लोमेटिक प्रोजेक्शन उतनी होगी जितना मैं इकोनॉमिकली साउंड हूँ माय टीचर टू टेल अस एंड आई ट्राई टू कोट हिम हियर के जो मुल्क होता है एक तो पूरे जिस्म की तरह होता है सो तो फॉरेन ऑफिस इज योर फेस तार्थ 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 तो

पाकिस्तान ऑलवेज बीन अ वेरी प्रिंसिपल्ड कंट्री एज वेल सो मैं ये नहीं कह सकता कि जस्ट फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान अपनी कुछ मेन प्रिंसिपल्स को छोड़ देगा फॉर एग्जांपल लाइक आर फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जना कहम सेट के हम ऑप्रेस्ड एंड सुप्रेस पीपल के लिए पाकिस्तान हमेशा बात करेगा सो वी वुड कंटिन्यू टू डू दैट हम कश्मीर से लेके फलस्त से लेके हमारे के लिए बात करते हैं एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज आर प्रिंसिपल ट्रांस फॉर दैट इन द कॉलोनाइजेशन प्रोसेस जो पाकिस्तान में अक्सर लोगों को नहीं पता बहुत से नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज और बाकी कंट्रीज पाकिस्तान के कई लोगों के नामों पर वहाँ पे सड़कें हैं Mm. क्यों है क्योंकि हमने उनको इतना सपोर्ट किया बिकॉज हमारा प्रिंसिपल स्टार्स ऑफ अ फ्री वर्ल्ड कि कोई किसी के सबजुगेशन में नहीं होना चाहिए सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वी हैव वेरी हाई वैल्यूज वी हैव हाई ट्रेडिशंस टू लिव अप टू राइट एंड अनफॉर्चुनेटली वी नॉट टॉट ऑल ऑफ राइट वी नॉट टॉट के हम यू नो गंदी पॉलिटिक्स ऑफ फिफ्टीज़ तो सिखा देंगे बट ये नहीं बताएंगे कि मीन वायल ऑल ऑफ दैट पॉलिटिक्स वाइल दैट वॉज हैपनिंग पाकिस्तान और क्या कुछ कर रहा था अफ्रीका yes. में क्या कर रहा था बाकी yes. जगहों पर क्या कर रहा था एंड डैट दट्स क्वाइट सैड इज़ वेल मुझे ये बताएगा कि अगर मैं इवाल फॉरन पॉलिसी की बात करूँ यू नो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग uh, हमने ये अमेरिका uh, वाला ब्लॉक लिया और फिर हमने जो है ना सिक्सटीज सेवेंटीज़ हम उन्हीं के साथ रहे uh, हाउ डू यू सी दैट हमारी जो 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 हिस्टोरिकली हमारे डिसीजनस रहे हैं ओबियसली ये इन अ वाइडर स्कोप वी कैन से फॉरन ऑफिस हैजन अ ग्रेट जॉब एंड ऑबियसली आपका वो इदारा भी है तो एक सॉ sort of आपकी पर्सनल वो भी होती है बायस भी होती है बट जनरली अगर मैं पर, इस चीज़ की अगर बात अ कंट्री देवर ओके फॉर द टाइम या हम कुछ बेहतर डिसीजन ले सकते थे हाँ बिल्कुल देखिए एक तो चीज़ ये कि कभी कभार फॉर ऑफिस को कह लें तो नॉर्मली नॉट फॉर पाकिस्तान फॉर ऑफिस इन जनरल एक लाइन है कि फॉरन ऑफिस और फॉरन सर्विस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस राइट right. अगर आपकी डिप्लोमेसी फेल होती है और पीपल आर एबल टू मेन अराउंड योर थिंग्स mm -hmm. तो एक तो ये चीज़ होती है विच मीन्स कि आपको यू हैव टू बी ऑलवेज प्लेइंग अराउंड विद अलायसेज जो उस वक्त फार्मूलेट हो रही हैं फ्यूचर अलाइंस जो आ रही हैं या अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे आप इवॉल्व हो रही हैं तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेर हम पे डाली गई तो एक right. तो पॉइंट ये है कि हमें है, Uh, किसी भी चीज़ को उसके तनाज़ुर में देखना होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स नहीं देखा जा सकता राधा दिन सेंग के पाकिस्तान ने उस मोमेंट पे डिसीजन ठीक लिए थे या नहीं लिए थे उसको एक तो uh, देखें

ठीक hmm. है हमारे से मेन आपके जो मेन इलाके थे वो हमसे um, छीन लिए गए हमें, हमें हमारी रिसोर्स नहीं दी गई uh, और बहुत कुछ हुआ आई थिंक इट्स वेल नोन सो आई वॉन्ट गो द डिटेल बिग नेबर हु फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वेर नॉट सो उस मोमेंट ऑफ टाइम में व्हेन यू लुक In the past, in those decades, uh, from whichever side we could get the best for Pakistan, we were trying to get that. Right. Uh, it was not ke के log लोग अगेन analysis में हमें यह देखना चाहिए अगर आप उस टाइम का ले लें सोवियत यूनियन एंड यूएस का कम्पेरिजन करते हैं बट हम सिर्फ इतना कंपेरिज़न कर लेते हैं कि दो ब्लॉक्स बने थे बट रियलिटी को भी तो देखें रियलिटी ये थी कि तमाम इंडस्ट्रीलाइजेशन जो थी वो वेस्टर्न ब्लॉक में थी यूएस में थी इकोनॉमिक माइट uh, जो एक्चुअल थी एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिलिट्री माइट वो तो चले uh, एक पेरिटी में सो पाकिस्तान को उसको क्या चाहिए था वी बीन मेकिंग डिसीजन Of course, there can always be assessments ke, uh, what better could have been done. Yeah. Uh, uh, but again, things have to be seen in their context at that moment of time. Right. Uh, and I think Pakistan more or less has been able to maneuver itself quite well. In fact, uh, the thing that is said around in the in many multilateral fora's where our detractors <laughs> or our are that Pakistan has always been able to punch above its weight. राइट एंड उनको इस बात पे मसला रहता है कि यार पाकिस्तान है हमसे मे बी चार पांच गुना छोटा भी है फिर एक यूएन का फोरम है ये ज़्यादा कमेटीज़ को लीड कैसे कर लेते हैं ये हमें साइड लाइन किस तरह बार बार करने में कामयाब हो जाते हैं ये अलाइंसिस अचानक मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से बता देता हूँ जस्ट टू टेल यू कि नॉन अलाइन मूवमेंट हमारी है इट्स अराउंड वन कंट्रीज़ की हैं अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ है कि दे बायस एग्रीड के काजी सलीम हमें रिप्रजेंट करेगा दे एज अ वॉइस करेगा मुझसे पहले भी ये होता रहा हमारे हर डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज की इस वक्त ग्री, ग्रीन क्लाइमेट फंड में हम लीड कर रहे हैं इसके बनाने में हम लीड कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रमेंडस एग्जाम्पल्स तो उनको हमेशा ये बात खटकती है कि right. तो पाकिस्तान हमेशा कैसे परफॉर्म कर लेता है तो एक तो ये चीज़ जिसको हमें देखना होगा कि वी हैव बीन ऑलवेज एबल टू आउट परफॉर्म कीपिंग इन व्यू द रिसोर्स हमारी फॉरन थिंक नंबर में बिगर uh, नेबर uh, से मे बी हाफ है mm. uh, और बाकी कई ममालिक हैं जो एशियन टाइगर्स ग्रो कर रहे हैं उनसे uh, दो दो तीन तीन गुना कम है अक्सर ऐसा होता था रेजोल्यूशन uh, की निगोसिएशन यू एन में इस तरह होती हैं कि थर्टी थर्टी रेजोल्यूशन आ जाती हैं एक टाइम पे जिनमें से एक एक ऑफिसर को दस पंद्रह मिल जाती हैं कैन यू इमेजन आई यूज टू बी इन हाफ आवर स्पेंड इन अराउंड टेन डिफरेंट रूम्स अच्छा रनिंग फ्राम बट वी आर एबल टू डू दैट अक्सर मुल्क नहीं कोशिश करते इतना करने की बट हम पाकिस्तानी वी आर वी टेक प्राइड इन आर ट्रेडिशंस के हम वी वुड बी नोइंग प्रोसेस वी वुड बी इंडेजिंग एंड इन एवरीथिंग एंड वी वुड बी मेकिंग श्योर के पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें एंड समटाइम्स डेवलपिंग वर्ल्ड भी हमारे ऊपर रिलाई कर रही होती है अक्सर दोस्त ऐसे होते थे कि हम रिपोर्ट्स बनाते थे और दूसरे मुल्क वाले कहते थे यार मुझे भी यार कॉपी <laughs> भेज दो यार मैंने भी पीछे सबमिट करानी है दैट वाज वॉज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन अदर एज एंड ऑन पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स राइट एंड आई थिंक अभी मोस्ट रिस एग्जाम्पल इसकी है कि जो अभी कोविड के बाद लोन्स के डेवलपिंग वर्ल्ड के लोन्स की बात हो रही थी तो उसके अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमेसी प्लेड अ ह्यूज रोल इन इन मेकिंग दैट मेकिंगट है जी नाइन कंट्रीज आई थिंक एबसलूट सो so, और ये डायनामिक नेचर भी हमारी शो करती है और हमारी लीडरशिप स्किल्स भी शो करता है कि कोविड नाइन्टीन आया नो बड़ी न्यू हाउ टू टू नो बड़ी न्यू कि इसके रेपर कितने आएंगे सोशो इकनॉमिक क्या होंगे हेल्थ का तो चलने पता ही था एवरीबडी न्यू mm. क्या हो रहा है लेकिन बट एट द एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वी वर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक दोज इनिशि वर्क प्राइम मिनिस्टर का विजन था स्ट्रॉग विजन एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑफकोर्स आर सी डिड एन अमेजिंग जॉब बट अगेन द विजन वेन यू हैव टू इम्प्लीमेंटेड इट वॉज न स्मॉल थिंग आप जो इंटरनेशनल लोन्स का स्ट्रक्चर जो डेप्ट रिलीफ का इनिशटिव का आपने तस्करा किया अब उसमें प्रोसेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स वहाँ पर एक पेरिस ग्रुप है उसके अलावा आपके जो आई uh, जो होते हैं ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ उनका एक अपना स्ट्रक्चर है बट वी वर एबल टू मेनूवर और बाकी उसका uh, फल जो है मोर देन सेवनटी टू एटी कंट्रीज ने खाया देन आर अदर प्रिंसिपल पोजीशन जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आई थिंक प्राउड होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑलवेज टेक्स प्रिंसिपल पोजिशन इंटरनेशनली हमारी दूसरी प्रिंसिपल पोजिशन थी जो शायद किसी uh, बहुत डिवेल्प कंट्री को शायद ना इतनी पसंद हो बट वी आर नॉट वी नेवर बैक आउट फ्राम दैट थिंग Uh, वो ये थी कि जब वैक्सीन आएगी सो अंडर द डब्ल्यू टी ओ रिजीम उसके ऊपर ये नहीं कि uh, लोग छुप के उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाना शुरू हो जाएं बिकॉज दैट डब्ल्यू टी ओ रिजीम ऑफर्स प्लेसेज जहाँ पे उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और उस पर अननेसरी प्रॉफिट एयरिंग नहीं होनी चाहिए सो पाकिस्तान फॉर दैट कि जब बने तो इट फुड इट शुड भी फॉर द होल ह्यूमैनिटी नॉट फॉर द रिच ओनली एंड द वे इट इज सो दैट सो पाकिस्तान दिटाइम्स ऑल्सो इम्पैक्ट अस एज वेल बिकॉज उससे फायदा सबका होता है Uh, लेकिन समटाइम्स आई थिंक सम कंट्रीज आल्सो डू नॉट लाइक इट बिकॉज आर वॉइस इज़ समटाइम्स इवन लाउडर दैन देयर्स जबकि वो कंसिडर करते हैं कि इकनॉमिकली हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं बट आई ऑलवेज टेल माई जूनियर कॉलीग्स जो सी एस एस भी दे रहे होते हैं और बाकी भी फॉरन सर्विसज के भी कि वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वी शुड नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी देखें पाकिस्तान का जो साइज है पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन साइज है ऑल द्रोइंगशन <laughs> है वो दैट इज नॉट बट स्टिल जो अभी का साइज़ है हमारी जो रिसोर्स हैं और जो इंडिविजुअलिटी है हमारा hmm. पाकिस्तानी इंडिविजुअली आउट परफार्म करेगा अगर वो एक सौ नब्बे का दो सौ मुल्क भी उन्होंने बैठ के इट्स दॉब्लम होल हम थोड़ा बहुत अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एज अ नेशन राइट right. uh, आपका अच्छा खासा रिसोर्सिस हैं इकॉनमी इज नॉट ओनली अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इकोनॉमी साइज पे भी, भी मैटर करती है इकोनॉमी में और बहुत से इंडिकेटर्स भी होते हैं so, सो वी जब हम ओवर असेसमेंट करते हैं ना और अक्सर मीडिया में हर वक्त थ्रेशिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान की सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इतनी एक तो करनी नहीं चाहिए बिकॉज आप बच्चे को इतनी ज़्यादा अगर सुनाओगे गालियाँ दोगे वो पढ़ना ही बंद कर देगा बिल्कुल ऐप से पॉडकास्ट मल्टीपल बिफोर इज वेल के होप इट समथिंग जो कि बड़ी इनहेरेंट चीज़ होती है फॉर ह्यूमन बींग टू वर्क टूवर्ड समथिंग ग्रेटर एंड बिगर दैन हमसेल्फ हमारे यहाँ वन वी टॉक अबाउट बींग क्रिटिकल वी कैन ऑलविज भी क्रिटिकल वी कैन से डूइंग गुड जॉब बट पॉजिटिव रि इन्फोर्समेंटिव री रेनफोर्समेंट वाली बात है कि यू कैन से यू डूंग गुड जॉब बट दीज आ एरियाज दट यू कैन इंप्रो अपॉन या यू कैन से यूर डूंग टेरेबल जॉब एंड यूर बी यू नो बेटर अनफॉर्चुनेटली वी टेक दैट लाइन वी से नो हमारा तो, तो सोसाइटीज़ खराब है हमारे जो डिप्लोमेसी uh, है वो तबाह हो चुकी है हमारे लोकल के अंदर जो है ना हमारी तो सोसाइटीज़ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं तो है, कल्चर ये है कल्चर वो है ज़ाहिर एक बच्चा जो है वो कोशिश भी क्यों करेगा वो कहेगा कि यार अगर तो चीज़ बेहतर होनी नहीं, नहीं है तो मैं क्या करूँ मैं बस मैंने बड़ा अगर हो के कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है देखिए बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ द इशू इज़ के वी हैव टू अंडरस्टैंड के हर मुल्क में प्रॉब्लम है uh, मैं चाइल्ड राइट्स की एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज मैं आजकल ह्यूमन राइट्स वगैरह को देख रहा हूँ सारा कुछ फ्रॉम द यूएन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स आप शायद पाकिस्तान में हार्डली किसी को पता हो कि पाकिस्तान की जो चाइल्ड राइट्स की लेजिस्लेशन है इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव इन साउथ एशिया वन ऑफ़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव इन एशिया एज वेल सो वी हैव वेरी प्रोग्रेसिव लॉज ठीक है थोड़े प्रोसीजरल इशूज़ आ रहे हैं उस पर क्रिटिकल होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन को भी बेहतर करना चाहिए लेकिन एक हद तक क्रिटिकल होना चाहिए इफ़ इज फॉर गेट कि पाकिस्तान कितने मुल्कों से बेहतर है हमारे लॉज कैसे हैं इंटरनेशनली कैसे हैं सो हम वी वुड नॉट कम अव द रट कंक्लूजन एंड आई एल जस्ट बुट वन वर्ड हेयर के नॉट एवरी थिंग टॉट फ्राम द वेस्टर्न लैम्स इज़ ओके ड नाट वर्क ये एक तो हमारे बच्चों को भी बड़े होते हुए समझाना होगा कि ह्यूमन राइट फॉर अस स्टार्टेड जब इस्लाम आया उससे भी पहले बिकॉज अदर रिलीजन ऑल्सो टीच डेट तो yeah. ये नहीं है कि मुझे आ, पिछले पचास साल में कोई सिखा रहा है कि आ, खातून के साथ कैसे बिहेव करना है या उसके क्या क्या इनहेरिटेंस सो वी शुड बी यू नो वेरी मैं अगर सौ साल पहले चला जाऊँ ना अगर आप वेस्ट को जाके देखें वहाँ पर खातन वोट भी नहीं कर सकती थी हमारी खवतानी कर सकती थी exactly. इंडिपेंडेंस के फौरन बात ही कर सकती थी सो इन लॉट ऑफ वेज वी आर मोर प्रोग्रेसिव येस अभी जाकर वो थोड़ा सा इवॉल्व करके ज़्यादा बेहतर हो गए हैं सिमिंगली जि, जि, जिसकी वजह से हमारे यहां आजकल जो हमारा एजुकेटेड अनफॉर्चूनेटली uh, बच्चे बड़े हो रहे हैं वो बस ये सोचते हैं कि जी व्हाटएवर द वेस्ट इज़ डूइंग वी नीड टू बी डूइंग दैट राइट नाउ वी नीड टू बी डूइंग दैट एंड दैट्स पुटिंग अस इन अ वेरी डिफरेंट यू नो लाइन व्हाई बिकॉज़ आप एक तो परस्पेक्टिव नहीं देखते hmm. uh, हर एक का अपना एक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है अब अगर वो प्रोग्रेसिव अगर एक खास पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हो भी गए इज गुड आई वीलवेजेट गुड स्टफ मैं स्टफ़ी yeah. नहीं कहूँगा कि मैं किसी से सीखू ना लाइफ एंड सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन वी शुड इवॉल्विंग बट द थिंग इज के ये भी नहीं है कि आप ये परस्पेक्टिव ना देखो कि आपकी वैल्यूज क्या हैं इफ देर इज वन एम्पावरमेंट देर एज वेल वी ऑफकोर्स डू दैट देर 50% ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स बट वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि देयर इज अ गुड फैमिली सिस्टम हियर एज वेल वहाँ पे जितना डिप्रेशन है वो वहाँ पे जो रह कहते उन्हें पता सो वी हैव टू आल्सो सी और चाइनीज इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं दे से कि हम डेवलप कर रहे हैं इन आवर ओन चाइनीज मॉडल right वो कल्चरली कॉन्टेक्चुअल मॉडल और Is to be replicated. Yeah. we have to see things in our own perspective. And a lot of times, when you're talking about progressive things and you're talking about new ideas, they're not really tested. So, i me give a my podcast. Western model was for freedom of speech. Yeah. Okay. give everybody the freedom of speech, and inherently, human beings will all, you know, move towards a better society. And then Trump came along, yeah. and now the president of the uh, United States is being censored. Yeah, <laughs> and the same Western establishment is saying, you know, no, you can't have freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई न कोई बाउंड्रीज होंगी जो कि uh, चाहे वो वायलेंस के अराउंड हो चाहे वो फेक uh, न्यूज़ के अराउंड हो बट सडनली यू नो टेन इयर्स अगो वैन वी वे ओके फ्रीडम ऑफ स्पीच बट इन अ इन अंटेक्शुअल वे तो इट वॉज एपसोल्यूट नाउ द वेस्ट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्सट एंड एंड सडनली यू नो इट्स एवरीबडी अंडरस्टैंड अगेन उन्होंने भी जब दस साल पहले ये बात बोली थी आज उन्होंने उस चीज़ को प्रूफ डिसप्रूव कर दिया और दस साल पहले अगर जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम ज्यादा डेवलप्ड हैं

दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और हेट स्पीच के आप देख रहे हैं जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों के साथ उन्होंने कोविड right. में जिस तरह के ट्विटर के हैश टैग्स बनाए और right. उसके बाद उनको रीजन ऑफ कोविड बनाया द सेम गोज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेल हम right. कहते थे कि डिस इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और उस वक्त वो मानते नहीं थे उस वक्त वो हमारे साथ इस हद तक लड़ाइयों पे जाते थे कि इस तरह की रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कॉल कर देते थे कि नहीं नहीं ये बात नहीं है आप लोग लिमिटेशन की बात कर रहे हैं नाओ उनके सिस्टम ने प्रूव खुद ही कर दिया लेकिन दैट हर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट अब हमारे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट से ओबलाइज हैं या वेस्ट दे इज़ नथिंग रॉन्ग विद लाइकिंग वेस्ट बाई दू दियर सोसाइटीज आई लाइक दियर इंजीनियर community i like their uh, things lekin mai sirf ye keh raha hu jo bilkul hi apne systems aur usko zero se replicating hote hai na kyunki dete hain hum bure hai wo acche हाँ तो उनके लिए सिर्फ ये है कि अब चूंकि us और eu कह रहा है कि यार उनकी कोई limitations hai so now they would also like it yeah <laughs> that should not be like the either I they like it or they'll be very very confused i mean yeah. and that's what we ज़्यादा बड़ा है कि यू शुड बी एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव हमारे एजुकेशन सिस्टम को इसीलिए हमें बच्चों को थोड़ा ग्रूम करना चाहिए कि यार वट एवर यू आर बींग टॉट जस्ट हैव योर ओन असेसमेंट एज वेल। एब्सोल्युटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने यू नो डिसइंफॉर्मेशन की बात की डिस इफॉर्मेशन डिस इनफॉर्मेशन का कनेक्शन लगाता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर जो कि अगेन इन इन सीरियस स्टडीज इज़ नाउ अ वेरी फंडामेंटल यू नो सब्जेक्ट जो कि टॉट होता है टीच किया जाता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगेन बहुत बहुत बड़ी एक मेन स्ट्रीम है जो कि इसको यू नो ट्विटर के ऊपर बैठकर हंसती है इस चीज़ के ऊपर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो रही है Um, हम पाकिस्तान में जब ये बात करते थे तो उसको फिर भी और ख़ासकर मेरा क्योंकि ताल्लुक डिजिटल मीडिया से है तो मैंने तो बहुत एक्टिवली इसको देखा है कि क्या कुछ किया जा रहा है बट um, रिसेंटली आपने देखा होगा ई यू डेनफो लैब ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट इसके ऊपर निकाली है और उसके अंदर एक एकेडमिक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एन इंडियन नेटवर्क जो कि एंड यू इन किन ड्यूरिंग द टाइम एज़ वेल वो यू एन भी उन्होंने पैनीट्रेट किया हुआ था वो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी उन्होंने पेनीट्रेट की हुई थी सो वट वट इज योर एक्सपीरियंस बिन और उसमें अगेन आपने बात की कि एक्टिविज़म की उसमें आपने बात की एन जी ओज़ की अ लॉट ऑफ वट वी बिन टॉट ग्रोइंग वट वी रेड इन न्यूज पेपर इवन वो उन फंडेड एरियाज से आ रहा था इंक्लूड यू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट जेंडर इशूज ह्यूमन राइट इशूज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अ लॉट ऑफ एट नाव लुकिंग बैक वो सारी ट्विस्टेड थी वो यू नो जिसे कहते हैं कि वो टेंटेड थी। तो व्हाट आर थॉट्स अबाउट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखें फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक ये भी तरीका है कि आप उन लोगों में उस नेशन में इस बात को भी इन्फिल्ट्रेट कर दो कि ये सब ये तो सब ये तो सब आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन झूठ बोल रहे हैं ऐसा कुछ है सो यू आर ऑलरेडी अफेक्टेड खत्म कर दो बाईट अपनी स्टेट अपनी के ऊपर देखिए स्टेट इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में उनके साथ हर एक को uh, कुछ uh, तंगियाँ भी होंगी कभी कुछ uh, उनको अच्छाइयाँ भी होंगी हर एक का इशूज़ होते हैं नो बडी इज ऑलवेज हैप्पी विद एवरी थिंग गोइंग ऑन लेकिन एट द सेम टाइम दे आर योर ओन स्टेट इंस्टीट्यूशन वहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हैं अगर मैं वर्दी में हूँ या मैं सूट में हूँ और सीट की इस तरफ हूँ तो आई वुड नॉट बी लेसर और मोर पाकिस्तानी एंड यू वॉन्ट भी लेसर और मोर पाकिस्तानी वी बोथ आर इक्वली पेट्रियाटिक्वलीफ दिस नेशन कंट्री तो एक तो ये चीज़ है कि अगर स्टेट कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगी तो so, एक तो ये कि आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को हमारे लोगों की असमेंट इतनी वीक हो जाती है कि इतना उनका कॉन्फिडेंस लो है सम हाउ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा इंपैक्ट हो चुका है mm. तो आई एम नॉट टू सेवरी थिंग दैट द स्टेट इज इवन सी लेकिन आप जब क्रिटिकल थिंकिंग होना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप उसको क्वेश्चन करें बट क्वेश्चन करके कॉन्स्टेंट सीनिक

झूठी तकरीर करती थी यू में और इसके आ, और इस इससे यह भी है कि यू को भी अपने सिस्टम को रिफाइन करना होगा कि वो इस तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं hmm. जो कि एक ऐसे फोरम में जिसकी क्रेडिबिलिटी है उसको जाके हिट हार्ड कह रहे हैं देन उनका पूरा मीडिया उनके साथ कनेक्टेड था मैं आपको बताऊं यहाँ तक बात थी कि कोई डि डि डिबेट हुई है ना मे बी पोस्ट पुलवामा हुई जब यू नो हमने उनका जहाज गिरा दिया और वी देन ऑल आउट जब आप कहते हैं ना कि फॉरेन सर्विस के हाइस क्या होते हैं बिकॉज आई वाज देयर एंड देन मुझे उनको और जितनी सुथरी हमें करने का मौका मिला और उसके बाद वो वहां से चले गए और आई नहीं पूरा दो हफ्ते तक वापस <laughs> तो यू नो बट जस्ट टू टेल यू ऑफ दैट लिंकेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट के असल में क्या हो रहा है कि वी आर देयर शेरों की तरह हम लीड कर रहे हैं शो को और वो ग़ायब हो रहे हैं घबराए हुए हैं सारा कुछ लेकिन चूंकि उन, उनकी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कंटिन्यू उनका मीडिया और उनकी एजेंसी मिली हुई हैं तो वो अपनी झूठी वहाँ पे न्यूज़ लगवाते हैं कि हमने ये कह दिया पाकिस्तान की तो बहुत बुरा हो गया और पाकिस्तान भाग और जबकि एक्चुअल रियलिटी कुछ और हो रही है hmm. अब उसमें इशू वेरी फ्रेंकली बिटवीन के कुछ हमारे मीडिया ग्रुप्स का भी इशू था इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के कोई गलत ख़बर चलाते हैं इसलिए कि वो अक्सर और बेशतर हमने देखा कि किसी इंडियन न्यूज़ एजेंसी से या वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसी जो कि भी इन्हीं से पकड़ती हैं न्यूज़ है वो उठाते और ये उसको वेरीफाई किए बगैर ही चला देते हैं राइट सो यू नो वी हैव टू वर्क एज ए नेशन टू फाइट दिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर उसमें फॉर एग्जाम्पल आपका एज एन इन्फ्लुएंसर उतना ही स्ट्रॉन्ग रोल है मेरा एज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट उतना ही स्ट्रॉग रोल है हमारे मीडिया हम सबको एक पेज पे होना होगा बिकॉज आर डी ट्रैक्टर्स द पीपल हु डू नॉट लाइक अस दे आर यूनाइटेड सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जो प्लेसमेंट है इट ऑलवेज कीप सम पीपल नॉट लाइकिंग अस या 100% एंड दिस इज गोना ब्रिंग मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट एज़ वेल अनफॉर्चूनेटली जब भी दुनिया जो है ना वो जब जो स्टार्ट में थोड़ा सा बात किया मल्टीपोलर वर्ल्ड की और वो सारी सारी दुनिया जब भी शिफ्ट आ रहा होता है ना तो पाकिस्तान सम हा दरमियान में वो उस जगह पे होता है जहां पर यू you नो know, रशिया को पानी तक नहीं आने देना तो पाकिस्तान ने रोक रोका है और ये वो नहीं होना वो नहीं होना इवन अगर मैं पॉजिटिवली कहूं तो जब चाइना और अमेरिका ने दोस्ती करनी थी तो पाकिस्तान ने ही करवा कर दी अब हम देख रहे हैं अगेन के जैसे कि स्टार्ट में बात हुई कि 2020 के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यू नो बहुत सारे uh, पुराने ज़माने की जो अलाइंसिस जो अंडरस्टैंडिंग थी वो वो चेंज होती नजर आ रही है um, uh, uh, अगर हम देखें कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर को चाइना uh, और यू यू की एक बहुत मैसि इन्वेस्टमेंट ट्रेड डील यू नो सॉर्ट ऑफ हो गई uh, जो कि विच इज़ फैसिनेटिंग कंसडिंग इन ट्वेंटी डेज द न्यू यू एस प्रेजेंट वॉज गोइंग टू कम इन और अमेरिका का काफ़ी उसके ऊपर वो भी है कि यू नो दे वर वेरी एंग्री अबाउट इट एज़ वेल बट द यू वेंट एड विद दट उसी के साथ साथ अभी रीसेंटली रशन uh, जो पाइपलाइन है उसके ऊपर जर्मनी साइड यू नो वे गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट एंड वी नॉट गोइंग टू केयर अबाउट एनी सेंशन वेयर फ्री टू डू दैट तो वीर सिंगिंग के वहाँ पर भी एक चेंज इन इन टर्म्स ऑफ एंड एंड अमेरिका हैज़ जनरली बिन वेरी वेरी यू नो क्लोज और वो एक अटलान्ट ट्रेड के थ्रू उनका एक बड़ा इकोनॉमिक डिपेंडेंस uh, थी अब वो चाइना के साथ या एशिया के साथ ओवरऑल uh, होती नज़र आ रही है जब ये सारा हम देख रहे हैं तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान दरमियान में है कि चाइना जब ओबोर की बात करते हैं तो सबसे पहले सी पैक लेकर आता है um, चाइना ने कहीं भी दुनिया में जाना है तो दरमियान में पाकिस्तान वो होता है दैट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी बट उसका नुकसान आखिर में वही होता है कि जब आप उस स्ट्रेटिजिक लोकेशन पर होते हैं तो फिर जब वो हाथी की जंग में चूंटी मारी जाती है सो सो वट्स इवेंचुअली मैं आऊँगा आई आई वॉन्ट अंडरस्टैंड कि यू you नो know, पाकिस्तान और चाइना का जो कॉन्टेक्स्ट है जो सी है जो हमारी दोस्ती है डिप्लोमेसी कॉन्टेक्सट वॉट इज दैट और जो ओवरऑल चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं देखिए ये आई थिंक यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर इन प्लेस जहाँ पे तीन न्यूक्लियर पावर्स हैं Uh, हमारे नेबर हैं चाइनीज हैं इंडियन हैं पाकिस्तान है इसके अलावा पॉपुलेशन uh, का साइज मैग्नीट्यूड यहाँ पे इतना ज्यादा है कि नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और इट वुड बी अवज इकनॉमिक एक्टिविटी और पूरे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ uh, को पता है hmm. कि अब अगर उन्होंने अपनी चीज़ें सेल करनी हैं सर्विज uh, सेल करनी है सो दे हैव टू लुक टूवर्ड्स एशिया एशिया की तरफ जब देखते हैं तो नेचुरली ये एरिया आ जाता है सब कॉन्टिनेंट आ जाता है चाइना आ जाता है एंड देन ईस्ट एशिया आ जाता है बट इफ इन ऑर्डर टू रीच ईस्ट एशिया हम फिर भी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं इज मडल ईस्ट विद ऑयल रिसोर्स एंड अदर थिंग एज वेल सो दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ अ एरिया एज फार एज द फॉरन पॉलिसी परस्पेक्टिव इज कंसर्न आई थिंक कोई भी दुनिया में Uh, अगर टेक्टिशनर बैठा होगा फॉरेन पॉलिसी का आई डू नॉट थिंक कि वो तीन चार पाँच साल एक तो है एक तो है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बट उसको पाँच साल तीन साल के भी छोटे छोटे प्लान uh, बनाने होंगे फॉर दिस रीजन बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग सो ड्रामेटिकली सो क्विकली अराउंड हेयर अब इस तरह की लोकेशन में इधर वी कैन फील थ्रेटर वी कैन फील ऑलवेज भी सेम के हमारे साथ बुरा इसलिए होता है हम यहाँ पे हैं और वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट वी कैन ऑपरचु मेक द बेस्ट ऑफ दिस ऑपरचुनिटी सो आई थिंक पाकिस्तान हीज़ लर्न फ्राम द प्रिवियस डेकेड्स एंड नाउ वी आर ट्रॉइंग टू बेस्ट यूटिलाइज आर यू स्ट्रेटिक लोकेशन सी पैक का आपने नाम लिया दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट

कि हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें हमारे राइट right पे भी एक बड़ी मार्केट uh, है ईस्ट एशिया की भी है इंडिया की भी पॉपुलेशन है वेस्ट uh, पे बहुत बड़ी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स एज वेल द सेम इज़ देयर नॉर्थ चाइना है आई मीन पूरी दुनिया आपने जब कहा कि चाइना और ईयू डील साइन कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आइडियोलॉजिकली वो डिफरेंस पे भी हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑल्सो फील्स विद द राइज ऑफ चाइना बट दे कैन चाइना इंटरलिंक हो चुकी है पूरी पूरी की सिस्टम इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स सो वी हैव Understand that we have to now start looking above just the ideological differences mm. and see ke where our best interests uh, get catered for for the Pakistan and Pakistani people. I right. would always say ke Pakistan ni logon ko bhi humne saam, because sometimes in these world dynamics, uh, although you know Pakistan ki foreign policy objectives may say hai ke humne. Uh, मुख्त हमने नेबर्स के साथ भी अच्छे तल्लक करने हैं हमने डेवलपिंग वर्ल्ड को भी सपोर्ट करना है हमने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी यूनिटी में करना है और सब काम हम करते हैं करते रहेंगे

Hmm. It, it is still a superpower. it is very vibrant country, economically sound country, and a very good country. i mean, the way they think, the technological uh, advancement and uh, modernization, both good. we can always work and learn and uh, have the best thing from them as well. Yeah. so looking at, at the other end, there is. चाइना जो कि हमारा आई मीन द स्ट्रॉगेस्ट फ्रेंड में से है जिसके लिए हम कहते हैं कि डीपर दैन द सी हमारी फ्रेंडशिप है हायर दैन द हिमालयस है स्वीटर दैन हनी है एंड एज अ डिप्लोमेट इफ यू मी ये आपको असल में फीलिंग आती है अच्छा जब है। आप यूएन में हो कहीं भी हो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है इसका कोई और कंपैरिजन नहीं है ये जितना हमारी तरफ से वाम वामनेस है उतनी उनकी तरफ से भी है वो भी उतना ही हमारे लिए फील स्ट्रॉग फीलिंग्स रखते हैं और हम साथ खड़े होते हैं बट एट द सेम टाइम यू नो इट डज़ नॉट मीन एंड नो बडी स्टॉफ एनी बडी फ्राम फ्राम डूंगर सम ट्रेड डील्स और यू नो वर्किंग ऑन एजुकेशनल स्टाफ और यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम विद द यू एस यूनाइट स्टेट्स यू के एंड वी शुड बी डूइंग दैट All together, of course, keeping our friends in confidence and at the same time getting the best for our people makes a lot of sense. Yeah. Um, China, you know, we have that friendship, and some a e e recent new entrant to that friendship, or at the very least, in terms of the eyes of the public, that has been Turkey, right? Yeah, like okay. in the past uh, two to three years, now we're seeing that Turkey But a clear cut role, and not just in terms of dip uh, diplomacy, but even economics wise, some they can get Pakistan, mein Turkey ki tiles, but Pakistan, mein furniture, Turkey, ka hai. Uh, so there is a bilateral trade, uh, you know situation going on as well there's a lot of technology transfer now I was looking at the chief chief staff you know calling in there, his counterpart in Turkey and talking about you know defense knowledge sharing so how did that happen and and particularly in the context of our wider Muslim world Middle East okay now we're, we're actually seeing that uh, with the Paris agreement we're going towards a, a green energy world right and because of that we also see you know European Union now while they're, they're they're figuring out all of their gas pipelines and their oil resources and all of those things uh, when when they go and talk to China there is definitely that underlying uh, uh, green energy revolution climate change, there is that underlying economic uh, Germany or you know Netherlands or on Sajo economic growth clear cut element so, when you come there, you see that in the Muslim world, hai, usme bhi, there will be certain ups and downs in terms of uh, economics and power and so on and so forth in the next decade or two once the energy system changes. So, how do you see? Turkey in the context of pakistan and how, in that is that, how important is that alliance this is very important questions i think there are two questions the parliament and then we'll go for a very important part that you uh, linked was climate change green cli uh, technologies क्योंकि फ्यूचर में यही सबसे बड़ा डिप्लोमेसी के चैलेंजेस में से एक रहेगा और देखा जाए एज एज ह्यूमैनिटी भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है हमारे सर्वाइवल का क्लाइमेट चेंज हुआ है सो फर्स्ट ऑन द टर्की पार्ट आई थिंक इन कॉमन मैनस आइज तो टर्की और हमारा जो क्लोजनेस आई है वो मे भी पिछले तीन चार सालों में पाँच सालों में ज़्यादा हुआ है कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए हैं ज़्यादा और सारा कुछ लेकिन इसका बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स भी है यू नो फ्राम द टाइम्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट टू द टाइम्स जब जो टर्की के साथ पिछले सेवन एट डेकेट्स में पाकिस्तान के तलक रही हैं उसमें हम हमेशा से ऑलमोस्ट हमारा जो एक्सपोजर द वे टू लुक एट

पैलस्टीनियंस हो रही है या कश्मीरी हो रही है तो टर्की भी ओपनली कहता है जो कि हम अक्सर और बेशतर अपने बाकी कुछ दोस्तों से देखते हैं जो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं डिप्लोमेसी से काम लेते हैं दिस इज़ वन थिंग सो टर्की मैं आपको बताऊँ कि चाइना uh, को जितना हमारी दोस्ती गहरी है टर्की की उससे कम किसी भी दर्जे पे नहीं दे आर विद एंड इन फ्यूचर आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ आर ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जिसको कहते हैं उसकी वजह से हमारी दो स्ट्रॉ बिग नेशन इनशाला वी वुड बी शोइंग द डिपिंग वर्ल्ड के दे टू गो अबाउट वी कैन लर्न अउट फ्रॉम टी आई मीन टी शोड इन नाइनटीन नाइन्टीज़ कि अगर आप अपनी इकोनमी को और लोगों को थोड़ा सा दुरुस्त कर लो सो अचानक वही मुल्क जो कि आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के आगे बैठा हुआ था इट हैज़ बिकम वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन उसकी ट्रेड uh, सबसे ज़्यादा है विद द यूरोप यूरोपियन कॉन्टीनेंट एंड उनकी ईस्ट लुक पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रांग है जो कि uh, पहले तो वी कैन ऑल्सो लर्न फ्राम दैम बट टू हैव द कंक्लूजन ऑन दिस पॉइंट पाकिस्तान चर की दोस्ती जिसमें हम कहते हैं जिंदाबाद एंड इट्स वेरी स्ट्रॉग यू यू फील इट यू फील इट इन योर डे टू डे मीटिंग्स ऑफ़ द डिप्लोमैट्स एज वेल ऑन द अदर पार्ट पार्टो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था ऑन द ग्रीन क्लाइमेट पार्ट टेक्नोलॉजीज़ कह लें या आप कह लें कि हाउ टू कैटर फॉर क्लाइमेट चेंज वो मिटिगेशन अडोप्शन है और ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन हम वर्ड्स यूज करते हैं इस पर देखें जो इट्स uh, आई वुड से द पॉलिटिक्स एंड द साइंस इज मच मोर दैन वट इज टॉट और वट इज सीन बाई कॉमन आय वहाँ पे आपको अगर कोई वेस्टर्न कंट्री ये तो जरूर कहेगा कि यार आप कोल जला रहे हो और इससे आप इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो ठीक है हम नहीं जलानी चाहिए पर वो ये नहीं बताएंगे कि दो सौ सालों में उन्होंने जला के पैसे तो कमा लिए हैं अब हाँ. अगर मैं आज उनसे ना टेक्नोलॉजी They won't share it with me. Yeah. वो कहेंगे टेक्नोलॉजी जरूर हमारी कंपनी आके लगा के जाएगी आप, आ, आप एक दो बिलियन डॉलर दे दें हम आपको हाँ. देंगे और बाद में उसको ठीक भी हम ही करने आएंगे सो थिंग इज रियली इंटरेस्टेड हमने प्लानट को बचाना है हमने चीज़ों के लिए एफर्ट करनी है सो देन देर शुड बी सम यू नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस ना हम आ, हमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग करें ना आप हमें पैसे दें ना आप वो करें फिर आप एक्सपेक्ट करें कि हम यानी डिवेलप

Uh, has been lobbying aggressively for the past two years to sell their solar solar panels and istanaki uh, equipment to Pakistan because their domestic consumption stopped. Yeah. So for them, green is directly proportional to their economic development. Absolutely. And the sell ka they ऑफ कोर्स देखें पाकिस्तान जितना कर सकता है वो कर रहे हैं हमने आप देखें ये नेट मीटरिंग भी स्टार्ट हुई हुई है तो सोलर पैनल्स आप एनर्जी प्रोड्यूस करके अब हर घर में ऑलमोस्ट लग रही है इसके अलावा द करंट गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है बिलियन ट्री सुनामी का और इसके अलावा भी अब उन्होंने डैम्स के फर्दर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं दीज आर ऑल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सो वी आर डूइंग एवर वी कैन बट एट द सेम टाइम द इंटलेक्चुअल्स शुड ऑलवेज कीप द एंड इस्पेशली द पाकिस्तानी इंटलेक्चुअल शुड ऑलवेज कीप द कॉन्टेक्सट इन कि उनके कुछ economic reasons हैं वो ना technology आपके साथ कभी share करते हैं ना इस बात पर discussion डिस, में आते हैं वो तो डब्ल्यू टी ओ की एक रिजीम है जिसमें ये ट्रेड नगोसिएशन हो रही हैं वो उस पॉइंट को वो वीटो करके बैठे हुए हैं कि इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना यू नो वी हैव टू सी नॉट ऑलवेज द डिवेलपिंग वर्ल्ड इज ऑन द रोंग साइड और दे आर ऑन द राइट साइड एंड वट एवर दे आर सेंग इज ऑलवेज राइट वी ऑल वॉन्ट रिन््यूएबल एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड बट वहां तक पहुँचने के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए एंड वी डू शुड नॉट फॉरगेट दिस्ट्री के इन दीपल ऑफ द साउथ ट लास्ट सेंचुरी वर अंडर कॉलोनाइजेशन विच मीन रिसोर्स को अनलिमिटेड वे में यूज किया गया और अब अगलों ने तो पैसे कमा लिए के पुट मनी इन टू रिस हैं बिकॉज आपनेट सब कॉन्टिनेट इन चाइना ग्लोबल जी डी पी And, and particularly Aurangzeb, uh, at his time, 31% of the global GDP was with, with the subcontinent. That uh, that empire was the richest in the world. True. Richer than the, I think the, it was the Zing dynasty uh, in, in China at the time, which was a very, very poor. Um, and then from 31%, post-British, we, we came down to less than 1% of the global GDP percentage. Right, so that's the amount of productivity and that's the amount of money that they took to, to, to Europe. True. And now when when they come up with with regimes like this, like, oh, you know, now we have to be all have to be clean. Yeah. And now we have to make sure that if even if it costs extra, we have to buy clean technologies. Yeah. And the people who've already built the green technologies will be in Europe. So it will be inherently in one way a process just uh, तहत up constant dependency. rather than being

And the East Asian Tigers showed us that still you can progress yeah. and quickly reach to development stage. So we have to see the uh, underlying reasons, que, uh, how to manage that, and how to have a development in our own way.

Uh, कि इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है वट वी सी एस के दर इज़ अ पापुलिस्ट गवर्नमेंट दर इज़ अ नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट मैं जनरली अपने दोस्तों से बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि नो हमारा uh, पाकिस्तान का जयालक जो है ना वो आज इंडिया में आ गया अनफॉर्चुनेटली हम सीख गए और हम आगे निकल गए और वो जो है ना uh, हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं रियलाइज वाट देर डूइंग इन इन मे बी ए कप ड बट देर इज दैट हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ उसके साथ ही देर इज अवज फार्मस प्रोटेस्ट जो कि पंजाब साइड के ऊपर हो रही है दरज अ बिग क्राइसिस गोइंग ऑन देर इज वेल कोविड को अनफॉर्चुनेटली देवर नॉट एबल टू मैनेज इट एज वेल एज एज अलमद्लाबल टू डू इट एंड उसकी वजह से उनके इकनॉमिक प्रपेकेश पड़े आई हैड वेरी सक्सेसफुल इकानामिस्ट होम मिनिस्टर फाइनेंस के साथ काम कर रहे हैं आजकल वो मुझे आके बता रहे थे कि जी पाकिस्तान का माइनस 0.5% GDP gira hai. India ka minus 10% last uh, fiscal year ke andar, and that's just crazy numbers, right, uh, for, for a country with 1.4 billion people and a, a very big, considerably large economy, uh, wo ek massive impact hai. Uh, So aap as a, as a diplomat, how are you seeing India, uh, you know, kis jaate dekh rahe aap in the next five years? Dekein, uh, just to start with, ke Pakistan ki policy to se friendliness ki rahi hai.

को गाली देना सेल करता है पाकिस्तान right. में आपने कभी इलेक्शंस में ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी सो दिस इज वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर एक तो चीज़ ये है अब अब जो हालात इंडिया में हुए हैं इसका आई थिंक मैं इस, एक तो इस तरीके से जवाब दूंगा कि जो उन्होंने एक सेकुलर कवर रखा हुआ था दैट हैज़ बिन एक्सपोज राइट Uh, उन्होंने वो अगेन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉग मीडिया बॉलीवुड टू डिफरेंट इंडिया इज तो दीज द करंट गवर्नमेंट वन जिसका हमें हमारे फोर फादर्स कहते थे कि अगर वहाँ पर आप माइनॉरिटी हुए और उनकी ऐसे जो uh, इतने अरसे से मगलूब रहे हैं सो दे वुड वन दे वुड कम टू पावर दे वुड नॉट नो हाउ टू ट्रीट दी अदर माइनॉरिटीज़ इस्पेली मुस्लिम्स तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है सो वो जो 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 कैद अजम की बात थी वो सच्ची साबित होना शुरू होगी दूसरी बात यह है कि जब आप न्यू फासिस्ट गवर्नमेंट आती है तो वो उसके इंस्टीट्यूशंस तक को तबाह कर देती है बिकॉज द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कॉम्पिटेंस गोज़ अवे फिर आता है नेपोटिज्म वो आता है कि मैंने एक खास ब्रीड का है रखना है हाँ। लॉजिकल रखना है और बिल्कुल अक्सर मैं तो पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए ये कहूंगा कि अक्सर आप अपनी गलतियों से ना सीखो दुश्मन की गलतियों से ज़रूर सीखो है right. <laughs> yeah. पाकिस्तान को हमने इंटर कल्चरली टॉलरेंट बनाना है उस mm. पर और भी काम करना है पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन बाय फार वेरी टॉलरेंट सोसाइटी हम सूफीज के देश रहे हैं हमेशा से आप देखें आपके भी दोस्त होंगे हमारे मेरे भी हैं क्रिश्चियन हिंदू कभी फ़र्क नहीं कर रहे लेकिन हमें बहुत मजीद काम करने की ज़रूरत है बिकॉज ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा जो अब ये एक्सट्रीमिस्ट वेव्स आ रही हैं ये right. वेस्ट में भी आ रही हैं मुख्तु मुल्कों में आ रही हैं बिकॉज़ जब लोगों को मुश्किल इकनॉमिक एक, हालात या मुश्किल वजूहत को किसी

नेगेटिव गलत नैरेटिव बिल्ड करो तो ये जो इंडियन इकोनॉमी की आपने बात की आप इकॉन मेजर उनके अगर आप अब के आर्टिकल्स पढ़ें तो यू वुड बी नोइंग वो, वो प्रूव कर रहे हैं कि पिछले दस सालों में इंडिया अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही फज फर्ज करता है वर्ल्ड दे आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज They are a big country. Uh, I, I won't say they are not, but they might not be that much uh, economically sound as they were appearing to be. Right. And they are not warfare that warfare is not enough, that you are confident in your own life, and that cyclic process is not enough, that you will run the opposite way. Mein run karte ho. So mm. we have to be very clear on those things because uh, in our assessments they should come in. Uh, but one thing that I would say. वुड बी के आर होल अप्रोच शुड ऑलवेज बी पाकिस्तान और वी शुड नेवर बी टू मच बॉर्दर्ड कि इंडिया ने यह किया तो हमें भी ये करना है बिकॉज ये ऐसी है कि क्लास में अगर एक बच्चा कुछ अचीव कर रहा है तो आप बजाय खुद मेहनत करने के आप उसको देखना शुरू हो जाओ सो वी हैव टू बी फोकस ऑन ब्रांड पाकिस्तान आई थिंक अलॉट कैन भी डन अलाट इज़ नाउ बींग डन

Yeah. I think uh, uh, if we develop our economy, if we make our progressive, if we do all that, then there's a, there is a you know, sort of neo-fascist government in India today. Maybe they might not be in the future. At the end of the day, that should not be... Our, our policy should not be dependent on what they're doing. Absolutely. Uh, we need to create the best version of ourselves. Mein, ke, you know, the about Turkey. It popped my Turkey being... Uh, the gateway to europe effectively like turkey is trading with europe and then you uh, you know it's also looking towards the east yeah. um, there is iran and then there is afghanistan in the middle afghanistan we're already you know actively participating in in, in how we're, we're ensuring peace in that region and hopefully we're 80 to what let's hope that they see that peace and then there is iran um, आपको क्या लगता है कि हमारे लिए ये एक पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी है ये जो पूरा रूट बनता है मे बी पाकिस्तान ईरान टर्की और मे बी पाकिस्तान अफग़ानिस्तान टर्की uh, खास मैं देख रहा था पिछले इज डील एज वेल फॉर फॉर अ कार्गो रेल सर्विस फ्राम द वे टू टर्की देखिए हमने पाकिस्तान ने कोशिशें पहले भी की हैं इस रीजन को थोड़ा बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने के ई की ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की फिर अब एस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना और रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और पाकिस्तान भी है उसमें इंडिया भी है तो हम कोशिश तो कर रहे हैं अब कुछ इंटरनेशनल इश्यूज आ जाते हैं जैसे ईरान यूएस राइवलरी आ जाती है एंड देन द अदर राइवलरीज ऑफ द रीजन ऑल्सो कमिंग टू प्ले फिर अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस स्टिल अभी अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंचा वी होप कि वहाँ पे पीस हो ताकि हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें बट वन थिंग दैट

राइट जहाज़ हैं हैं अब तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और सबसे आगे ई कॉमर्स है राइट राइट सो थिंग्स कैन बी अचीव्ड और टर्की ने भी ये शो किया टर्की ने अपना सर्विसेज सेक्टर बहुत ग्रो किया उनकी यूरोप को एक्सपोर्ट्स आर मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स राइट नाउ सो और ये सब कुछ देखते हो कि जब आप नॉर्मल मीडिया में देखते हो कि टर्की और थोड़ा से यू नो रिफ्ट आई हुई है सब कुछ लेकिन एट द सेम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट गेम Yeah, we have yeah, yeah. to work on getting avenues for Pakistan. We have to work on trade. We have to work on scholarships for our students. And uh, uh, our students second to none. I Geneva may Geneva. सन इंस्टीट्यूट है सन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्रॉगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इन वर्ल्ड राइट और पाकिस्तान के वहाँ पे सेवेंटी टू एटी अमेजिंग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो देर सेकेंड टू नन और उनको वो बड़ी अच्छी चीज़ों पर मैं हम जिनीवा में होने की वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं सो दिस इज अ स्पेस साइंस डिप्लोमेसी एंड अदर थिंग जहाँ पे हमें मेहनत करनी चाहिए अपनी नीच क्रिएट करनी चाहिए अपनी मूवीज एंड ड्रामाज को प्रमोट करना चाहिए आपके मूवीज एंड ड्रामाज की बहुत ज्यादा उसकी एब्जॉपन हो सकती है इन मिडिल ईस्ट इन नॉर्थ अफ्रीका एंड अदर्स सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट एज वेल आपको म्यूजिक को सो वी हैव टू थिंक नॉन ट्रेडिशनली वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग ओनली फ्राम अर परस्पेक्टिव ऑफ जीरो सम गेम आई एम नॉट सिंग वी आर डूंगट राइट नाउ बिकॉज एट द फॉरन ऑफिस लास्ट ईयर कोविड में हमने बहुत कुछ किया है हमने लुक एफ्रीका पॉलिसी भी पे लॉन्च किया और उस पर एफर्ट हो रही है पहले काफ़ी काम हो जाना चाहिए था बट द थिंग कि आप कभी स्टार्ट लेना है सो द थिंगज़ के दीज आर दिंग्स वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फॉर द फ्यूचर कि हमें इतनी इन्ग्रेस अचीव हो लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी हम आउट परफॉर्म हैं अगर हमारी ट्रेड और ये चीज़ें ग्रो करती हैं देन द सिविल ब्योक्रेसी कैन भी रीस्ट्रेंथनड एंड दे कैन देन फर्दर आउट परफॉर्म इन दो रीजन सो बट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज स्पेसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ हेल्थ आपके डॉक्टर्स दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं ऑन आई yeah. Uh, I mean, uh, मैं खुद इंजीनियर हूँ आई नो कि हम किस तरह के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं दे आर सेकंड टू नन जो हार्वर्ड में बन रहा होता था हमने उससे ज़्यादा बेहतर ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स uh, बनाए हुए हैं Right. Again, the thing is ke uske baad, so they, we have to start working yeah, on yeah there's a things. huge opportunity there particularly in the IT sector I was actually talking to someone from uh, Pakistan Software Association and they they this is exactly what they were saying you know हम लोग we're, we're, making these videos that they're going to be targeted to to Swedish and Finnish and all of these uh, countries क्योंकि हमारे पास टैलेंट एग्जिस्ट करता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है बट सम हाउ पीपल जस्ट पाकिस्तान इज नॉट द नेम जो रिकॉल में आता है कि आईटी सर्विसेज के लिए हम यहाँ पर जाएं सो ऑबियसली वी नीड टू डू मोर वर्क इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग पाकिस्तान एंड 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 वो सारा का सारा आई एम ना स्विच द कॉन्वर्जेसन नाउ वेरी क्विकली मुझे अगर आप बता सकें कि आपने थोड़ा सा फॉरन ऑफिस का बताया कि वो क्या कर रहे हैं ड्यू थिंक देर आर और लेट मी पुट द क्वेश्चन दिस वे इस वक्त पाकिस्तान में जो फॉरन सर्विस का पूरा जो 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 कार्ड्रे है राइट right? वट्स द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज जो उनको फेस करना पड़ा है ओके बिफोर गोइंग टू द चैलेंज मैं सर एक चीज़ बताऊँगा चूँकि हमारी सर्विस इस तरह की है ना वी आर नॉट लाइक अदर सर्विसज़ जहाँ पर मे बी हमारा पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा डीलिंग डोमेस्टिकली हो एम्बेसीज़ में तो होती है काउंसिल सर्विसज हैं लेकिन uh, हम लोग कई ऐसी चीजों पे काम कर रहे होते हैं जो शायद कभी मीडिया में आ ही नहीं सकती हमेशा hmm. शायद डॉक्यूमेंट्स में बंद होके रह जाएंगी कई अलाइंसिस हमने आ, ऐसे हमारे डी ट्रैक्टर्स की तोड़ी होंगी पकड़ी होंगी दुरुस्त किए होंगे मामला दैट वुड नेवर सी द लाइट ऑफ द डे सो सो एक चीज तो ये है कि okay, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कर रहे होते हैं लेकिन बता भी नहीं सकते सो फॉरन सर्विस एक तो चीज़ ये दोज वी वुड बी यह ग्रेट सर्विस टू द नेशन एंड पीपल शुड बी नोइंग आपकी फॉरेन सर्विस बहुत करती है एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द कंट्री राइट अब बात आती है चैलेंजेस के ऊपर देखें आई थिंक फ्रॉम इफ यू टॉक विद एनी ऑफ द सिविल सर्वेंट राइट नाउ सो मेन चैलेंज दे वुड ऑलवेज़ वु रिसोर्स हमारी रिसोर्स लिखी हुई हैं या अंग्रेज के दौर की हैं ठीक है yeah. हमने उसके और उस टाइम के हिसाब से आप रिसोर्स देखें चाहे वो पे के पैकेज के हिसाब से हो उस टाइम के हिसाब से जो उस उनकी पे पैकेज होगी वो उनको एक स्ट्रॉग मेम्बर ऑफ द सोसाइटी बनाती थी पर आज का वो बिल्कुल कंपीटिंग नहीं है विद द प्राइवेट सेक्टर अब आपको मैं इन टेक का बताऊँ uh, मैं जब सिविल uh, सर्विसज़ के एग्ज़ाम दे रहा था उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में नया नया ट्रेंड आ रहा था बट बाय नाओ आपके टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम लम्स जी की नर्स जो आपके टॉप मोस्ट माइंड्स उठाते हैं किंग एडवर्ड फर्दर डॉक्टर्स और ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड और ये स, स, इनके आ रहे हैं सिविल सर्विस में जो पैशन से आ रहा हो फैमिली से आ रहा हो जो एक्स वाई वाइजी रीजन है और एक रीज़न ये भी होता है जस्ट टू हाईलाइट लाइट के सिविल सर्विस एग्जाम रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एग्जाम टिल नाउ इवन मैं आपको वेस्ट का बता दूं मैं यू में भी रह के हूँ वहाँ भी वो क्या कहते हैं पावे या खिलवाने के बगैर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती थी बट हेयर यू कैन बी एनी पर्सन मेरी पूरी फैमिली में कोई सिविल सर्विस में नहीं था बट आई एंडेड अप इन गुड सर्विस सो दे आर अट्रैक्टिंग दैम बट right. उसके बाद क्या सो वी नीड मच मोर इवॉल्विंग ब्योक्रेसी जो मॉडर्न टाइम्स को क्विकली ग्रास कर सके उसमें हमें डिफरेंट कैडर्स हैं सिर्फ सिविल सर्विसेज में यानी सी एस पीज नहीं है हमारा आ, मैं हमेशा हंसता भी हूँ और रोने का मकाम भी होता है कि एल डी सीज यू डी सीज असिस्िस्िस्िस्िस्टेंट्स ये तीन चार कैडर्स इन द स्टाफ बनाए हुए हैं अब गोरे के ज़माने में एक फाइलिंग करता था एक जो है वो आपका असिस्टेंट का काम अब सब ने वो काम करने हैं मिल के तो हम उसको बहुत बेहतर इफेक्टिवली एफ, एफ, और एफिशिएंटली बेहतर कर सकते हैं बस उस लेकिन उस रिफॉर्म्स की तरफ हमें नज़र डालनी होगी आ, सारा देखना होगा बट स्पेसिफिकली टू द फॉरेन सर्विस देखें आपके जो दुनिया जिस तरफ जा रही है और आपके डी जिस तरीके से अपने आप को इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं आप जब तक दुनिया में 193 यूएन के रिकगनाइज ममालिक हैं बाकी कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस में भी हैं तो आपकी जब तक मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हाउ कैन वो आपके ऑफिशियल चैनल ही स्टार्ट हो तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट उसके बाद आता है ट्रेड right. उसके बाद आती है सो so, एक तो ये है कि वी हैव टू सी ऑन आर एक्सपेंशन हाउ वी कैन रियली नाउ एक्सपेंड टिंगी से फाइव हंड्रेड द सेम थिंग जो लोग हैं जी टोटल तो uh, स्टाफ को मैंने कहा एफ एस पी ऑफिस की बात, बात करूँ जी बंदा तो क्या अगर सिर्फ अफ्रीका की बात करूँ लोकल अफ्रीका पॉलिसी में जितनी कंट्रीज हैं उसमें दस दस बंदा भी जाएगा प्रॉपरली बनाए करे यही तो यही मैं आपको बताया था ना कि जैसे यू एन में एक वक्त में दस रेजोल्यूशनिएट हो रही हैं तो एक ही बंदा कह रहा है और वो हर तरफ भाग रहा है और वो ही इज डूइंगल पर ही एंड ही इज अचीविंग रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट अचीव हो रहे हैं बिकॉज हमारे पीछे वो लोग भी आ रहे होते हैं जिनके एक एक रेजोल्यूशन में एक एक बंदा बैठे हुआ स्टिल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्राम अस पाकिस्तान के डिप्लोमेट इज डूइंग दैट मच उनको रिस्पेक्ट है ऑनेस्टी की वजह से बाकी चीज़ों से भी लेकिन यू नो अगर उनको रिसोर्सफुल कर दिया जाए देन यू सी द रिजल्ट वर्ट वुड कम आउट और थोड़ा बहुत हमारे फाइनेंस और बाकी लोगों को सोचना होगा कि बाबू जो हमें कह दिया जाते हैं सिर्फ वहाँ पे अगेन सिर्फ रिसेप्शन नहीं कर रहे वो रिसेप्शन पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ ला रही है ठीक है द नंबर्स एक्सचेंज इन बिलियंस थिंग इज वीव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग

लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि सी एस एस के मुझे पता है कि जब भी यू नो लाइक दैट इज़ हेयर तो सी एस एस एस्पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं उन्होंने डेफिनेटली ये वाली एपिसोड भी देखी होगी जस्ट टू ऑफ अंडरस्टैंड कच्चा चीज दुनिया भर में क्या हो रहा है अपना दिमाग खोलने के लिए आगे एग्ज़ाम आ रहा है व्हाट्स दैट वन सोर्ट ऑफ एडवाइस यू कैन गिव टू टू जो आज का जो आने वाला है पर्टिकुलरली जो फॉरन सर्विस में कुछ आ जाता है ये सवाल अक्सर और बेशतर मुझसे पूछते हैं जूनियर जो प्रपरेशन कर रहे हैं यू नो इंजीनियरिंग एंड अदर कॉलेज़ में आ, एक तो चीज़ मेरी हमेशा ये होती है कि यार वैन यू इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन दी एस पी कैडर एंड यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट नेवर लुक एट द पर्क्स एंड प्रेज़स क्योंकि सवाल पहला आएगा यार फॉरेन सर्विस में क्या मिलता है पुलिस सर्विस में क्या मिलता है डीएमजी में या पास अप कह लें उनमें क्या मिलता है इनकम टैक्स कस्टम्स में क्या अगर आप यू आर कमिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस तो यू वुड नेवर एंड अप बीइंग हैप्पी अपप्पी हैट सी एस इज डू इट फॉर पैशन डू इट फॉर द पैशन ऑफ यू नो सर्विंग पीपल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस वर्कस एंड अदर थिंग्स वुड फॉलो यू यू बिकम गुड इन समथिंग थिंग्स वुड फॉलो यू एवरी वे एंड एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज टेक केयर ऑफ़ यू ऑफकोर्स हम थोड़े गिले शिक्पे होते हैं कि मे बी कुछ पे पैकेजेस बेहतर किए जा सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन दैट द सर्विस इज लेस एट्रैक्टिव और लेस गुड फॉर यू और बहुत कुछ मिल रहा है तो द सर्विस इज़ गुड आपकिन डू इट फॉर द राइट रिजन विच इज़ टू सर्व द नेशन एक तो बात ही है दूसरा आप ये ना देखें कि आप uh, ये मैं उनके लिए कहूँगा जिनका सीसिस नहीं होता देखिए सीसेस की तैयारी आपको बहुत कुछ सिखा देती है सो यू ऑलवेज शुड बी पैशनेट आप इन आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं यू कैन डू द सेम थिंग वर्किंग विद द सी एस पीज वी आर ऑलवेज ओपन टू वर्क विद एनी बडी फ्राम सिविल सोसाइटी वी आर ओपन क्योंकि ब्रिलियंट लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में सो mm -hmm. so, आप ओवरऑल uh, देखें इन्वायरमेंट को एंड देन चूज योर कैडर ऑन द कैडर यू नो एवरी कैडर इज़ गुड इन इट्स ओन वे to join the Foreign Service आई कैन आई कैन आई कैन जस्ट ऑन द फनी पार्ट आई कैन से आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए आपके पास हर वक्त कॉन्टेंट होगा पिक्चर्स होंगी बट अगेन इट्स अ लाइफ स्टाइल आई इंजॉय द लाइफ स्टाइल बिकॉज तो अगर आप भी उसको इंजॉय करते हैं कि यार आप इट्स नॉट ए नाइन टू फाइव जॉब आपको शाम को घर में खाने भी करनी है हर नेशनैलिटी का बंदा आएगा यू लर्न फ्राम पीपल डिफरेंट कल्चर्स आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा एंड यू आर रिप्रजेंटिंग पाकिस्तान एट अ वेरी यंग एज एट अच्छा लेवल जो आप मे बी बूढ़े होकर भी नहीं कर पाते मतलब आई हैंग डिप्लोमैट द फ्लैग एज पाकिस्तान जो कि मे बी लोगों को शायद मिनिस्ट्रियल लेवल पर अचीव होता है बट यू एन में आप हम करते हैं और हम पाकिस्तान के वो जो एक वो आपको हाई फील होता है ना कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया दैट्स द बिग थिंग फॉरन सर्विस विल टेक केयर ऑफ यू इट्स अ वेरी गुड नेटेड ऑफिसर्स जो के सारे ही क्रीम हैं सी एस पीज हैं आर कैडर इज लाइक दैट सो इट विल ऑलवेज़ ऑफर यू गुड थिंग्स इन लाइफ बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस वुड बी देयर Yeah. आप अपने घर वालों से दूर होगे yeah. अक्सर आप कई सालों बाद वापस आओगे आप पाकिस्तान में कभी कभार अपने आप को फॉरेनर समझोगे कि यार <laughs> चेंज हो गया मुझे पता ही नहीं है कि अब नादरा में जाके क्या करना है तो दीस थिंग्स दीस चैलेंजेस वुड बी देयर बट आई मीन आई थिंक इफ इफ इट फॉर द राइट रीजंस सेल्फ एनालाइज कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है काी साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. दिस वाज एक्सट्रीमली इनसाइटफुल आपने यू नो बड़े डिटेल मैं खुद यू नो फॉरेन सर्विस का जब सोचता था तो मुझे कभी इतना लगता नहीं था और खासकर कर जब आपने वो वाली बात बोली ना कि सिटिंग सिटिंग बिहाइंड द पाकिस्तानी फ्लैग आई कैन साउट इट मस्ट बी सच अ पावरफुल फीलिंग डे एंड डे आउट यूर गोइंग ट्वेंटी मिलियन पीपल आपको पता है कि उन तमाम लोगों का uh, ट्रस्ट है आपके ऊपर और आप वो ट्रस्ट उसके लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए आप यू नो यो ये दट दैट होल्ड ट्रू फॉर एवरी वन सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच इट वॉज अर एंड आई Hope to listen to the feedback from you. Inshallah, Inshallah. Thank Inshallah. You so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. Uh, if you like this episode, do share it with your friends. If you are on any other platforms, then there is a subscribe button. Click it, and you will get notifications about upcoming episodes. Like button will help us a lot. It will increase our engagement. With that, this is Saqib Mazhar Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.